वह ज्ञानार्जन शुरू कर देता है। इसीलिए हमारी जीवन शैली अपने आप में बड़ा अनूठा एक अर्थ रखती है। जिस समय गर्भ हो उस समय क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका अपना एक विधान है। और उस विधान की पुष्टि इस बात से होती है कि गर्भस्थ शिशु कुछ ग्रहण करता रहता है। अष्टावक्र मां के गर्भ में ही वैदुष्य पा लेता है। अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या पा लेता है। यानी गर्भस्थ शिशु, हमारी ऐसी मान्यता है कि वह कुछ सीख रहा है, इसलिए कहा संस्कार। और धर्म से प्रेरित धन के साथ धन का उपयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति में हो और प्रत्यक्ष काम में हो, तो वह धर्म अर्थ और काम की व्यवस्था से आगे बढ़ाता हुआ जीवन को अंतिम बिंदु जो है मोक्ष, उस मोक्ष से जोड़ देता है, मोक्ष में प्रतिष्ठित होने का अधिकारी बना देता है। इसलिए धर्म है प्रथम और मोक्ष है आखिर में। हम अर्थ और काम इन दो पड़ावों में ही भटक न जाएं। अर्थ के द्वारा यदि विवेक जागृत नहीं है, और विवेक वही विवेक है जो सत और असत की समीक्षा करता है, सत और असत की समीक्षा करने के साथ जो आचरण होता है, असत की वर्जना, असत को नकारना, जो गलत है उसको छोड़ना, और जो शुभ है अपने लिए और सबके लिए उसको स्वीकारना, इसी का नाम है सदाचरण। इस सदाचरण को ही कहा है धर्म का आचरण। संसार में धर्म के भाव में आचार संहिता को अपना करके चलते हुए अर्थ की दिशा में प्रमाद मत करना। तैतरीय उपनिषद में कहा है संतोष का अर्थ ये मतलब नहीं है कि अपनी प्रगति के लिए आप प्रयास न करें। संतोष का इतना ही मतलब है कि जो आपको आज मिला है, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो आपको प्राप्त हुआ है, पर्याप्त मिला है या पर्याप्त नहीं मिला, पर्याप्त मिला है तो भगवान की कृपा, पर्याप्त नहीं मिला है तो उसमें भी प्रसन्नता रखें, पर्याप्त नहीं है तो उसे और पाने के लिए आप नैतिक उद्योग करें। इसलिए कहा अपने नैतिक उद्योग में प्रमाद मत करना, भूत्यै मा प्रमदितव्यम्। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आपको मिल गया तो अब वहीं पर ठहर जाओ। अगर आपको कुछ मिला है तो ये मतलब नहीं कि आप अपनी प्रगति में, प्रगति के साथ नैतिक रूप से न्याय करना होगा। गति के साथ है प्रगति, प्रगति का अंत तो नहीं है, लेकिन प्रगति के तल पर यदि आप संतोष की मनोवृत्ति रखते हुए और महत्वाकांक्षा को नैतिक दृष्टि से पूरा करना चाहते हैं तो ये शास्त्र का संदेश है, उपनिषद का संदेश है कि आगे बढ़ो। चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ें।
सृष्टि के उपक्रम में देवहूति और कर्दम के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करना और तपस्या के साथ संतान की प्राप्ति हो, तपस्या क्यों? तपस्या का लक्ष्य है आध्यात्मिक भूमि में अपनी प्रतिष्ठा। आध्यात्मिक भूमि का अर्थ है ईश्वर के भाव में, यह संसार ईश्वर के तंत्र में चल रहा है। जो समाज ईश्वर से दूर हो जाता है, अनीश्वरत्व की कल्पना में आ जाता है, नास्तिकता अनेक विध रूप में उस समाज को भोगवादी कक्षा में भटका देती है। तो भोगवादी व्यवस्था में हम भटक न जाएं, इसके लिए है योग। उसी योग के भूमि में कहीं तपस्या का योग है, कहीं ध्यान का योग है, कहीं ज्ञान का योग है और कहीं पर भक्ति का योग है। ये व्यक्ति की अपनी पात्रता है, उसकी पात्रता उसे कहां नियोजित कर सकती है, इसका मंथन, इसका निरीक्षण स्वयं को करना होगा। और स्वयं यदि निरीक्षण नहीं कर सकते हैं तो इसका निरीक्षण सत्पुरुष करेंगे, महापुरुष करेंगे। इसीलिए सज्जनों, महापुरुष के रूप में उनका सानिध्य और उनका संग पाने के लिए हमारे शास्त्रों ने एक संदेश दिया। तो महर्षि कर्दम और माता देवहूति तपस्या में मग्न होते हैं और तपस्या के पश्चात उनकी संतानों में 9 संतानें हैं। 9 संतानों में 9 बेटियां हैं और 9 बेटियों के साथ जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो जाता, एक रिक्तता सी लगती है। क्यों? कहा पुम नामकात नरकात त्रायते इति पुत्रः। आप कहें ये तो शास्त्रीय बात है, लेकिन कल्पना करिए, बेटियां जब घर से चली गईं तो घर रिक्त हो गया। बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों के द्वारा, बेटों के द्वारा कितना सहारा मिलेगा यह तो एक अलग बात है, ये तो अपने अपने प्रारब्ध की भी बात है। आत्मदेव जिस समय संतान की लालसा में व्याकुल मन होकर अपने जीवन को ही खत्म करने की योजना बना रहे थे, उस समय महात्मा का दर्शन हुआ और महात्मा ने यही कहा था कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव ने कहा मुझे भले ही पुत्र सुख न हो, लेकिन मैं पुत्र पाना चाहता हूं। पुत्र सुख का होना न होना, मिलना न मिलना, यह प्रारब्ध की बात है, लेकिन पुत्र तो होना चाहिए, संतान तो होनी चाहिए। संतान के रूप में पुत्र की कल्पना, पुत्र की चाह, कम से कम एक नैतिक सहारा तो बनती है। उस नैतिक सहारा के पक्ष को देखते हुए
महर्षि कर्दम और माता देवहूति के अंदर एक चाह थी और उस चाह की पूर्ति होती है भगवान कपिल के जन्म के साथ। कपिल महाराज महासिद्ध हैं, महायोगी हैं, सांख्य शास्त्र के आचार्य, ज्ञान की शुरुआत घर से हो, समय के साथ हमारी एक मान्यता थी जीवन चार हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ का मतलब है आज के संदर्भ में आप घर से दूर तो नहीं गए, लेकिन घर में से दूर अगर नहीं जा सके हैं तो कोई बात नहीं, घर की जिम्मेदारियों को अपने से कम कर दें, भगवत भक्ति में अपने मन को और अपने शरीर को ध्यान देना। सज्जनों, मन से स्वीकार तो होगा ही, लेकिन शरीर से भी अपने आप को भक्ति में लगा दो। आज के संदर्भ में वानप्रस्थ की यह व्यवस्था है। संन्यास, संन्यास जीवन का अंतिम पक्ष, उस परम सत्य के साक्षात्कार के बिना जीवन कहीं ऐसे ही वंचित रहकर समाप्त न हो जाए, इसी ख्याल से याज्ञवल्क महाराज ने एक अंतिम निर्णय लिया था संन्यास का। और जब संन्यास लेने जा रहे थे तो उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। बहुत सार्थक संवाद है। याज्ञवल्क ने अपनी दोनों पत्नियों को अपनी समान संपत्ति देकर अपने संकल्प को बताया, संन्यास का जो संकल्प था उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। मैत्रेयी ने कहा कि आप जो ये संपत्ति दे रहे हैं, क्या मैं इससे अमरता पा लूंगी? कि महम कुर्याम, इससे मैं क्या करूंगी? और जब आप इसे छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है जिसको आप छोड़ रहे हैं वो आपको बहुत सार्थक नहीं दिखता, जिसको छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है, वह महत्वपूर्ण क्या है? उस समय याज्ञवल्क ने आत्मविज्ञान का उपदेश किया है, आत्म सत्य की बात बताई है। तदेतत् सत्यम, वह जो आत्म विज्ञान है, जिस आत्मा के तल पर हम संसार को आरोपित कर रहे हैं, आत्मा संसार में भटक जाती है। उस आत्मा का अंतिम लक्ष्य, अंतिम गंतव्य, अंतिम प्राप्य संसार नहीं। संसार तो एक सीमा है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य आत्मा वारे द्रष्टव्यः तद्विद्धि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको जानो। किसको? जो परम सत्य है, यया अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर अविनाशी परमात्म तत्व को जानने के बिना, जाने बिना जीवन अपने आप में पूर्णता नहीं पाता। उसी पूर्णता की दिशा में याज्ञवल्क जब प्रस्थान करना चाहते हैं तो मैत्रेयी के प्रश्न पर उन्होंने जो आत्मविज्ञान का संदेश दिया है,
मानो उसी का एक ये उदाहरण है। कर्दम और